स्टेट टर्म है उसको निकालना हमने सीखा था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टेनेबो सुगानो डायग्राम है, एक बार और रिवाइज कर रही हूँ मैं, टेनेबो सुगानो डायग्राम्स जो हैं वो जनरली ऑक्टाहेड्रल के लिए ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब नहीं है, इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल के लिए जनरली इनको ड्रॉ करते हैं। और ये जो डायग्राम्स हैं ये दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, और ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते हैं। और जो डायग्राम्स हैं दे आर ड्रॉन इन बिटवीन ई अपॉन बी एंड डेल्टा ओ अपॉन बी, इनके बीच में ये ड्रॉ किए जाते हैं। और डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की जो टर्म्स हैं दे आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन दीज डायग्राम्स। एंड जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, यानी जीरो को हम एक ग्राउंड स्टेट लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि टेनेबो सुगानो डायग्राम भी जो है वो दे ओबे नॉन क्रॉसिंग रूल को ओबे करते हैं, बस चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं D4, D5, D6 एंड D7 जो डायग्राम्स हैं, ये D7 है, तो जो चार डायग्राम्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर डिफरेंट, उनके जो टेनेबो सुगानो डायग्राम है वो एकदम डिफरेंट होते हैं D4, D5, D6 एंड D7, तो एकदम डिफरेंट होते हैं बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो ऊपर दिए हुए हैं D1, D2, D3, D8 एंड D9, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये लगभग ऑर्बिटल डायग्राम की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो चार कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में जो जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसलिए इनके टेनेबो सुगानो डायग्राम डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे हम इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड में। तो अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ कि जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो टेनेबो सुगानो डायग्राम है बिल्कुल ऑर्गल की तरह है, बस डिफरेंस ये है कि ये ई अपॉन वी एंड डेल्टा ओ अपॉन वी के बीच में बन रहा है, और जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो एक हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, इसी तरीके से पहले हम और कॉन्फ़िगरेशंस देख लें, जैसे D9 कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन बिल्कुल ये ऑर्गल डायग्राम की तरह है। और अगर हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे जो कि डी हमने बनाए नहीं है, क्योंकि बाकी कॉन्फ़िगरेशंस वैसे ही होते हैं जैसे ऑर्बिटल डायग्राम में, हाँ, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन, अब D2 कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा ही है जैसा कि उसका ऑर्बिटल डायग्राम होता है, डिफरेंस मैंने आपको दो बता दिए, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ग्राउंड स्टेट है वो जीरो पर होगी, और दूसरा ये जो प्लॉट होगा इन बिटवीन ई अपॉन बी एंड डेल्टा ओ अपॉन बी, एज D3 कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी सेम होगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी सेम होगा, चाहे ऑर्बिटल डायग्राम हो चाहे टेनेबो सुगानो डायग्राम है, बस डिफरेंस देख लिया आपने कि क्या होता है, D9 कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होगा। तो मैंने आपसे कहा था जो डिफरेंस आएगा वो आएगा D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड D5 पे, और D4 हमने किया भी था थोड़ा, तो आपने देखा था जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है उसके केस में जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है, 5D, और 5D में भी जो ग्राउंड स्टेट टर्म कॉम्प्लेक्स की होती है वो होते 5EG, और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो होती है 5T2G। तो इस तरीके से आप देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे पर्टिकुलर डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू जब 27 आती है तो उसके बाद क्या होगा कि ईजी एनर्जी बढ़ने लगेगी जैसे जैसे फील्ड बढ़ाएंगे, और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म दूसरी आ जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट टर्म जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट टर्म 3H होती है, और 3H से जनरेट होने वाली जो टर्म है वो 3-1 होती है, इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है, क्यों आएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 5 है और इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये एक लाइन में नहीं हो सकते, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, यहाँ से कम हुई और ये क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि हमें ये लिखना है कि यहाँ पर हम वो सारी टर्म्स लिखेंगे जो कि 3H से जनरेट होती है, उसके अलावा हम यहाँ पर वो टर्म भी लिखेंगे जिनकी मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है उसके केस में केवल एक ही ट्रांजिशन हमें दिखाई देगा, जैसा हमें ऑर्गल डायग्राम में दिखाई देता है, तो ऑर्गल डायग्राम हो या टेनेबो सुगानो डायग्राम हो, दोनों के केस में आप देखेंगे जो ट्रांजिशन है वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में एक ही होगा, अगर वो डी उसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अगर आप राइट साइड में देखेंगे 27 के बाद जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ये तीन ही नहीं बल्कि कई सारे ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी एनर्जी लेवल्स आएंगे जो कि
थ्री मल्टीप्लिसिटी की टर्म से जनरेट होंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो थ्री मल्टीप्लिसिटी से थ्री मल्टीप्लिसिटी में होगा, फाइव मल्टीप्लिसिटी में नहीं होगा, क्योंकि स्पिन जो अलाउड ट्रांजिशन हैं वो कौन से होंगे जो कि सेम मल्टीप्लिसिटी में होते हैं। तो सेम मल्टी आपको ये बताना होगा कि जो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन होगा। सो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सॉरी ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके, और ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स उनके केस में क्या होगा कि अलॉट ऑफ पीक्स आएंगी, एक से ज्यादा ट्रांजिशन होंगे, और वो ट्रांजिशन डिपेंड करेंगे कि यहाँ पर कितनी एक्साइटेड स्टेट्स है, कितनी स्टेट्स हैं उतने ही ट्रांजिशन होंगे और ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आएगा। ऐसे ही अगर हम डी फाइव कन्फिग्रेशन को देखें तो डी फाइव कन्फिग्रेशन का अगर आपको ऑर्गल डायग्राम याद होगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके ऑर्गल डायग्राम में हम 6s लेते हैं, 4g लेते हैं, 4p लेते हैं और 4d, तो ये तो हम लेते ही हैं। तो यहाँ पर हमने इसको आसान दिखाने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है ताकि आपको सिंपल दिखाई दे। तो आप पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इस तरीके से एक ऑर्गल डायग्राम सा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या है ये ई अपॉन एच है और ये है डेल्टा ओ अपॉन एच, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो सब पहले जो हमने जो डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम हमने बना दी, तो ये 6s से जो जनरेट होगी वो होगी 6a1g, इस तरीके से जनरेट होगी। और ये यहाँ पर जो और स्टेट्स थी वो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमने ऑर्गल डायग्राम में लिखी थी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एट 28 जहां पर डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू होगी, डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू, उस जगह पर एक ब्रेक पॉइंट आएगा क्योंकि उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स शुरू होंगे और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या हो जाएगी 2t2g, यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 2t2g हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो 2t2g होती है। ये कहाँ से आएगी, ये टर्म भी हमने निकाली है वो आएगी 2i से। तो ये तो बहुत सिंपलेस्ट, अगर आप देखेंगे बहुत सिंपलेस्ट टेनेबो सुगानो डायग्राम है। हम क्या करेंगे, इस एजी को आगे बढ़ाएंगे, ये एजी की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और ये जो 2i से जो जनरेट हुई है यहां से 2i से 2t2g की एनर्जी कम होगी और फिर ये ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। 2i की जो डीजेनरेसी है वो कितनी है, 2i की डीजेनरेसी कितनी है, कितनी होगी, आई की डिजेनरेसी कितनी होगी, 13 होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी मॉलिक्यूलर टर्म्स हैं आप देख सकते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूलर टर्म है T2G, EG, A2G, T1G, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 और यहाँ पर ये जो स्टेट है ये तो है 6s की, ये देखिए 1, ये 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको काउंट करते हैं हम 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 देखिए आप इसकी स्टेट है, एक स्टेट तो ये है, एक ये है, एक ये है जो आई से जनरेट होने वाली स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से जो आई से जनरेट होने वाली स्टेट है वो तो हमने यहाँ पर दिखा दी है और उसके अलावा और भी स्टेट्स आएंगी जिनकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी वो भी यहाँ पर आएंगी, लिखना है आपको। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये जो मुलिकिन टर्म्स हैं ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी ये क्या क्या हैं। और उसके अलावा आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होंगी उनको भी हम दिखाएंगे और वहां से जनरेट होने वाली टर्म्स भी यहाँ पर आएंगी। इसलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो जो ट्रांजिशन होंगे वो बहुत अधिक होंगे, 2 से 2 मल्टीप्लिसिटी में जो ट्रांजिशन होंगे वो बहुत सारे होंगे। सो वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड D5 कॉम्प्लेक्सेस, तो उसके केस में हमें बहुत सारे पीक्स मिलेंगे।
फिर आप D6 कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, D6 कॉन्फ़िगरेशन में अगेन जो ग्राउंड स्टेट टर्म थी वो 5D थी, और ऑर्गल डायग्राम में जब हमने देखा उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म थी 5T2G और जो उसकी एक्साइटेड स्टेट थी वो थी EG। तो आप देखिए ये जो T2G है ये 20 तक तो ऐसे ही चला, 20 पर एक ब्रेक पॉइंट है यहाँ पर, और ये जो ब्रेक पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 20 है, और 20 के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, और ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म है A1G है, और A1G कहाँ से जनरेट हुई, 1I से। इसका मतलब है जब हम D6 कॉन्फ़िगरेशन का जब हम टेनेबो-सुगानो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और भी वो टर्म्स लिखेंगे जो बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया रहता है, हम बताएंगे कि हम वो टर्म्स भी लिखेंगे जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 होगी और उनसे जनरेट होने वाली टर्म्स भी यहाँ लिखी जाएंगी, इसलिए जो स्पेक्ट्रा होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और जो ट्रांजिशंस हैं वो 1 मल्टीप्लिसिटी से 1 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स में ही होंगे, तो वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा उसका कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, जबकि जो वीक फील्ड जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके केस में केवल एक ही हमें यहाँ पर पीक मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का जो स्पेक्ट्रा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, इसलिए आता है क्योंकि वहां पर आपने देखा कि अ नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर व्हिच हैव सेम मल्टीप्लिसिटी एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। D7 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे तो इसलिए मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि हम सब पहले ही कर चुके हैं कैसे हम स्टेट निकाल रहे थे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे D7 में जो इतना जो है वो आप ऑर्गल डायग्राम्स में भी करते हैं 4F और 4P, बाकी आप उसी तरीके से अरेंज करेंगे, और यहाँ इस 22 पर जब D7 के केस में वो पॉइंट 22 होगा जहां से ये ब्रेक पॉइंट आएगा और ग्राउंड स्टेट टर्म चेंज हो जाएगी, और ग्राउंड स्टेट टर्म होगी 2EG जो कि 2G से जनरेट होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे नंबर ऑफ पीक्स विल बी देयर, जो भी 2 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होंगी उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और उनसे जो जनरेट होने वाली टर्म्स है वो यहाँ इंक्लूड की जाती हैं, और जो ट्रांजिशंस हैं वो 2 मल्टीप्लिसिटी से 2 मल्टीप्लिसिटी में शो किए जाते हैं। जैसे आप लेफ्ट में देखेंगे तो बिल्कुल 3 ट्रांजिशंस दिखाई देंगे फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस देयर आर अ नंबर ऑफ पीक्स। तो जो इस तरीके से आप देखेंगे जो टेनेबो-सुगानो डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है मतलब उसके बारे में ये बता सकता है कि फिर कोरिलेट किया जा सकता है कि भाई ये शार्प आई होगी तो क्यों आई होगी, हो सकता है जहां पर थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहां पर शार्प पीक आई होगी, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है आप देख सकते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रांजिशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट, इसलिए नंबर ऑफ पीक्स विल बी देयर। तो आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत है? सिंपलेस्ट वे में मैं जितना समझा सकती हूँ, टेनेबो-सुगानो डायग्राम को आपको सिंपल वे में दिखाना है, कोई टेंशन नहीं है, आप मत दिखाइए, आप लिख दीजिए कि बस हमें ये टर्म की जो टर्म्स हैं वो भी इंक्लूड करनी होगी जो टेनेबो-सुगानो डायग्राम पर, हम इंक्लूड इतना ही करें, इतना हम दिखा दें, बस इसी से काम चल जाएगा। आप बाकी आप थोड़ा सा लिख देंगे कि जो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स है वो हमें यहाँ भी लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है, तो इसलिए जो स्पेक्ट्रा है वो कुछ कॉम्प्लेक्स आता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है इस टेनेबो-सुगानो डायग्राम की वो है कि इट कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा ओ बी एंड बीटा। तो जब हमें बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा ओ की कर सकते हैं, और अगर हमें कॉम्प्लेक्स की बी डैश दी हो तो हम बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए, हमने रेके पैरामीटर पढ़े थे और वहां पर हमने ये देखा था कि जो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होती हैं, जैसे आपने देखा 3P और 3F, उसके बीच में जो गैप था वो कितना था, 15B। तो बी अगर हमें पता होगा तो हम केवल इस डिफरेंस से ही पता कर सकते हैं कि जो बी है, बी से हम पता कर सकते हैं कि दो के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना होगा। और अगर हमें डिफरेंट दूसरी मल्टीप्लिसिटी मतलब दो की मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है, अगर हम उनके बीच में डिफरेंस पता करना चाहते हैं तो कम से कम हमें दो रेके पैरामीटर पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये हमें पता है पहले से ही। अब हम ये देखते हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस अगर मैं लेके चलूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस लिए हैं D1, D6, D4, D9, ये 4 कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे हैं जिनके केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है, D है,
ठीक है। अब इनके केस में क्या होता है कि अगर मुझे कोई कहे कि ये जो इसमें केवल दो ही स्टेट हैं, या तो T2G होगी ग्राउंड स्टेट या फिर EG ग्राउंड स्टेट, क्योंकि दो ही स्टेट है, दो के बीच में ही ट्रांजिशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि ग्राउंड स्टेट का डी है, तो उस केस में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है दो स्टेट का, यानी ईजी और T2G के बीच का जो डिफरेंस होता है, वही डेल्टा ओ होता है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये जो ईजी है नीचे है और T2G ऊपर है, तब भी कोई बात नहीं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ग्राउंड स्टेट टर्म डी होता है, वहां पर जो T2G और EG के बीच का जो गैप होता है वो डेल्टा होता है। जैसे कि आपने ऑर्बिटल्स के बीच में देखा था कि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो T2G और EG में स्प्लिट होता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा ओ होता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई डी टर्म स्प्लिट होती है, तो डी टर्म के स्प्लिट होने से दो टर्म ही जनरेट होंगी, एक ईजी होगी एक T2G होगी, तो अगर हमको क्या दिया जाए, अगर हमें ये वाला इसकी एनर्जी दी जाए और इसकी एनर्जी तो जीरो है ही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, डेल्टा ओ ही होगी हमेशा। और कोई भी अगर हमें T2G और EG के बीच का डिफरेंस है, हमें डेल्टा ओ होगा, हमें कहीं कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये तो हम ऑर्बिटल डायग्राम से भी कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा ओ। तो इसका मतलब है ये वाली डेल्टा ओ तो हम ऑर्बिटल डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखें एक और कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज D3 एंड D8। देखिए चार कॉन्फ़िगरेशन हमने सीधे सीधे कर लिए, D1 D6 D4 एंड D9, जहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म डी होती है, तो वहां तो सीधी सीधी सी बात हमने कही कि जो गैप है T2G और EG के बीच का, वही डेल्टा ओ है। हमें अगर ये ट्रांजिशन दे दिया ना कि इसकी एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी इतनी है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा सीधे सीधे वो डेल्टा ओ होगी। और कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये भैया ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन ये, एक ट्रांजिशन ये, बताइए डेल्टा ओ क्या है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपसे कहा TiH2O6+ है, अब इसके लिए आपको एक एनर्जी दे दी, दूसरी दे दी, और आपसे कहा बताइए डेल्टा ओ क्या है, तो कुछ नहीं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ओ है। ठीक है, आप आसानी से निकाल लेंगे। अब एक कॉन्फ़िगरेशन है D3 एंड D8, अगर हम D3 और D8 को देखेंगे तो यहाँ पर हम डेल्टा ओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, यहाँ पर भी बहुत आसान है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसके केस में भी आप देखेंगे कि अगर मैं D3 या D8 की बात करूं, तो आप ये देखेंगे कि जो A2 है वो सबसे नीचे उसकी एनर्जी है, T2 की फिर है, फिर T1G है, फिर T1GP है। तो यहाँ पर क्या होता है, D3 या D8 के केस में जो डिफरेंस है 3A2G यानी NA2G एंड 3T2G के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो लोएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है, वही डेल्टा ओ होता है। देखिए यहाँ पर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, और एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैंने आपसे ये कह दिया कि जो लोएस्ट एनर्जी का जो टर्म होता है वही डेल्टा ओ होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें कहा है कि भाई एक ट्रांजिशन की एनर्जी तो ए है, मान लीजिए ये वाली जो ट्रांजिशन की एनर्जी ए है, ये वाली ट्रांजिशन की एनर्जी बी है, इसकी एनर्जी सी है, और हमसे कहा कि अब बताइए डेल्टा ओ क्या है, तो मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, D3 या D8 अगर कॉम्प्लेक्स है तो मुझे कह देना है कि जो ए है वही डेल्टा ओ है। देखिए इतने बढ़िया कॉन्फ़िगरेशंस हैं D1, D4, D9 एंड D6, उनके केस में तो एक ही जो वैल्यू होगी, दैट इज डेल्टा ओ। अगर मैं D3 और D8 की बात करूं, तो जो सबसे कम एनर्जी का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, जाके वहां पर केवल टिक कर देना है, केवल गोला लगा देना है कि भाई कुछ नहीं करना है, तीन ट्रांजिशन दिए, उन तीन ट्रांजिशन में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वही डेल्टा होगी, बस टिक कर देना है, ये डेल्टा ओ, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। ओके, दिक्कत कहाँ पर है, हमें दिक्कत है तो है D2 कॉन्फ़िगरेशन एंड D7 में, जहां पर ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई ऐसा इस तरीके का लॉन्ग में ऐसा नहीं आता, आपको ये तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से Tenevo-Sugano डायग्राम की हेल्प से हम D2 और D7 का जो डेल्टा ओ है उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता चल पाता है कि कौन सा डेल्टा ओ होगा। अब इसमें हम जरूर, अगर आप ऐसी कैलकुलेशन सीधे सीधे देखें, तो इसमें क्या होता है कि जो D2 और D7 है वहां पर T1G जो है सबसे नीचे होता है, देन T2G, देन T1G ऑफ P, देन A2G। तो यहां पर आप एक चीज बस ये देख सकते हैं कि जो देखिए A2G एंड T1G के जो बीच का डिफरेंस है वो 18 dQ होता है,
और जो ए टू जी और टी टू जी के बीच का डिफरेंस है वो 10 डी क्यू है, और जो टी वन जी और टी टू जी के बीच का डिफरेंस है वो 8 डी क्यू है। तो आप ये देख सकते हैं जो सबसे कम एनर्जी का जो जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 डी क्यू। 8 डी क्यू जो है वो डेल्टा वो नहीं है, और जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो भी 18 डी क्यू है, वो भी कुछ। अब आप देखिए, अगर मैं इस 18 में से इस 8 को घटा दूं तो क्या निकल आएगा, 10 डी क्यू, और 10 डी क्यू क्या होता है, डेल्टा ओ। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो क्या होगा कि जो टी टू जी एंड ए टू जी के बीच का डिफरेंस होगा ना वो होगा डेल्टा ओ। ये टफ है यहाँ पर, जो डी टू कन्फिग्रेशन एंड डी सेवन कन्फिग्रेशन है वहां पर ये टफ है कि जो टी टू जी और ए टू जी के बीच का गैप है वो डेल्टा ओ है। सबसे लोएस्ट एनर्जी का टर्म नहीं है। अब अगर आप कंपेयर करें, फिर से मैं आपको कंपेयर करवा रही हूँ कि जो D1, D6, D4, D9 यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो डेल्टा ओ है। D3, D8 में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोएस्ट एनर्जी का टर्म है वो डेल्टा ओ होता है। दिक्कत कहाँ पर है हमें, हमें दिक्कत है तो D2 और D7 में है, जहाँ पर ये जो डेल्टा ओ होती है वो A2G और T2G के बीच का डिफरेंस होती है। ऐसा क्यों होता है, बस पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम ख्याल करें कि अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किस किस के बीच में है। T2G और EG के बीच का है। T2G और EG के बीच में, चार कॉन्फ़िगरेशन में। याद रखिए, हाँ, लिख लीजिए कॉपी में, आप सब लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैं फिर कुछ पूछने वाली हूँ। T2G और EG के बीच का जो डिफरेंस है, ये चार कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, D1, D6, D4, D9। यहाँ पर जो डेल्टा ओ होती है वो T2G और EG के बीच का डिफरेंस होती है। अब आप आ जाइए D3 में, D3 में आप आ जाइए, अब आप बताइए यहाँ पर जो डेल्टा ओ है वो क्या होगी। मैम डिफरेंस होगा 1A2 और 3T1G की। नहीं नहीं, जो डेल्टा ओ है वो किसके बीच का डिफरेंस है, लोएस्ट ट्रांजिशन है। लोएस्ट लोएस्ट ट्रांजिशन किस किस के बीच में, ए टू जी एंड टी टू जी, इसको लिख लीजिए। डी थ्री एंड डी एट के केस में जो डेल्टा ओ है वो ए टू जी एंड टी टू जी, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया बच्चों। यस मैम, यस मैम। अब आप ये देखिए कि जो जो डी थ्री और डी एट कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर टी वन जी भी है ना, टी वन जी नहीं आ रहा है डेल्टा ओ में, टी वन जी नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ आ जाइए, मैंने D2 और D7 में भी आपसे कहा कि जो गैप है T2G और A2G के बीच का जो गैप है ना वो डेल्टा ओ। इससे आप क्या समझ पाए, इससे आप ये समझ पाए कि जो T1G है ना, अगर वो कहीं पर होगा तो वो इन्वॉल्व नहीं होता है डेल्टा ओ को कैलकुलेट करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि आपको कहीं पर भी अगर आप डेल्टा ओ कैलकुलेट करेंगे तो T1G वाली टर्म नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर जो ये गैप था ना लोएस्ट, ये नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर T1G आ जा रहा है, यहाँ पर T1G का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये जो गैप है लोएस्ट एनर्जी का ये डेल्टा ओ नहीं है। तो बस एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा ओ होती है वहां पर T1G का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब भी हम डेल्टा ओ निकालेंगे तो वहां पर T2G और A2G या फिर EG एंड T2G का ही यूज होगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा कि अब आप एक चीज देखिए, आपको ये पता है कि T1G और T1G, अगर मान लीजिए T1G F की है और ये T1G P की है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये एक सी टर्म है। वैसे जो T1G है इनको हम क्या कहेंगे, ये एक सी टर्म है, ये भूल जाइए कि F की है कि P की है। Yes, ma'am. अगर दो तुम अगर जो दो बच्चे हैं उन्होंने रिनॉल्ड पेन लिए, एक के पास रिनॉल्ड है दूसरे के, अब एक तो चेतना की है और एक सिमरन की है, तो पेन तो वो रिनॉल्ड की है, बिल्कुल एक सी पेन है, नहीं है। Yes, ma'am. एक सी पेन है, बस वो यही तो है कि एक एफ की एक पी की एक T1G तो एक सी है, उनमें कोई अंतर तो नहीं है, वो तो दोनों एक सी है। वो कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को भाई, अगर वो तुम्हारी पेन एक्सचेंज कर दे हम तो तुम पहचान पाओगे कि मेरे को किसकी, जब तक उसमें कोई निशान नहीं लगा होगा तब तक तो तुमको नहीं पता चलेगा कि किसकी पेन किसके पास आ गई। उसी तरीके से क्या होगा कि ये जो जो स्टेट्स हैं वो एक सी हैं, उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो वो मिक्स हो जाती हैं। जब वो मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है, जब ये मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है, जो जो लोअर एनर्जी की टर्म है उसकी एनर्जी और कम हो जाती है, और जो हायर एनर्जी की टर्म है उसकी एनर्जी और अधिक बढ़ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो T1G F की है वो नीचे एनर्जी है उसकी, और जो T1G और P है उसकी एनर्जी ज्यादा है। जब ये दोनों मिक्स होंगी तो ये ऐसे मिक्स होंगी कि इसकी एनर्जी तो और कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, जिसको आप नॉन क्रॉसिंग रूल भी कह रहे थे कि टर्म्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही ना, तो ये ऐसे 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 करके चलती चली जाएंगी आगे को,
इनकी कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी का कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी क्या होता है, अभी तो मैंने आपको पास का बताया, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये टी वन जी यहां पर है और टी वन जी यहां पर है, ये तब भी मिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बगल में होंगी तभी मिक्स होंगी। और ये भी, ये जो टर्म्स हैं, ये भी एक दूसरे से ऐसे दूर जाती हुई दिखाई देंगी, मतलब नीचे की तो दूर नहीं हो सकती है, बट ऊपर ये वाली जो है वो दूर हो सकती है। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है ये इसके साथ मिक्स होती है, और जब ये मिक्स होती है ना, तो मिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी का बहुत ज्यादा आता पता नहीं होता कि इनकी एनर्जी कितनी होगी, इसलिए ये वाले टर्म को इंक्लूड ही नहीं करते हैं डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि टी वन जी मिक्स हो जाती है। तो जब भी हमें किसी की भी एनर्जी कैलकुलेट, डेल्टा वो कैलकुलेट करनी होगी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम वो वाली टर्म इसमें इंक्लूड होती हैं जिनमें टी वन जी नहीं होता है। ये क्लियर है? यस मैम। तो टी वन जी जहां पर होगा, टी वन जी की मिक्सिंग की वजह से, टी वन जी की हेल्प से हम डेल्टा को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम डी थ्री, देखिए जो डी वन डी सिक्स डी फोर डी नाइन या तो टी वन जी है ही नहीं, तो जो भी है वो डेल्टा ओ है। अब यहाँ पर देखिए, अब डी थ्री डी एट में जो लोएस्ट जो है ना, वहां पर टी वन जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए वो डेल्टा ओ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोएस्ट कहते हैं तो लोएस्ट भी नहीं हो सकती, यहाँ पर टी वन जी का इन्वॉल्वमेंट है, तो जहां पर टी वन जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ए टू जी और टी टू जी के बीच का जो गैप है दैट इज डेल्टा ओ। इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये जो डी टू कन्फिग्रेशन है या डी सेवन कन्फिग्रेशन है, वहां पर हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। एग्जैक्टली वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको, किस तरीके से टेने वो सुगानो डायग्राम की हेल्प से हम ये डेल्टा ओ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो डेल्टा ओ डी टू एंड डी सेवन के केस में हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। पहले हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो रेके पैरामीटर है, जब हमें रेके पैरामीटर मिल जाता है तब हम डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, अब आप देखिए कि एक टेनेबो सुगानो डायग्राम, ये जो हमने लिया है, देखिए VH2O होल 6 3 प्लस, इसमें V 3 प्लस है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? V 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन? बेटा 4s2 3d0 हो जाएगा मैम, प्लस 2 है ना, 0 3d1 है इसका, इसका v का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, 4s0 3d2 आएगा ना भाई, इसका क्या होता है 3d3 4s2? यस मैम, 3d3 4s2 तो होता है, भूल गए हो सब, 23 होता है इसका। Yes, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन D2 हो जाएगा ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ये नहीं आएगा सीधे सीधे, मतलब मैं नेट की बात कर रही हूँ, यहाँ तो फिर भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। D2 नहीं आएगा डायरेक्ट, आपको तो कोई कॉम्प्लेक्स देंगे, उसमें आपको देखना होगा कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो डेल्टा ओ है बी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए हमें क्या दिया होता है, हमें ट्रांजिशन, देखिए इसमें तीन ट्रांजिशन है पॉसिबल है D2 में, देखिए एक है T1G से T2G, एक है T1G से T1G और एक है T1G से A2G। तो ये देखिए तीन ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, ये तीन ट्रांजिशन में से कोई दो ट्रांजिशन इन्होंने हमें दिए हैं, कि फॉर द फर्स्ट टू ट्रांजिशंस E1 कितनी आई 17,200 cm इनवर्स और E2 दी है 25,200 cm इनवर्स, हमें दो ट्रांजिशन दिए हैं, मतलब तीन में से दो दिए हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी उसके लिए हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है? इसके लिए हमें पहले बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर हम बैक कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमें दो चीजें दी होंगी, मतलब हम ये तरीका बता रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमें दो ट्रांजिशन दिए होंगे, उन ट्रांजिशन में से हम क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला ट्रांजिशन है उसको कम वाले ट्रांजिशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक रेशियो मिल जाएगा E2/E1 का, E2/E1 हमें क्या मिल जाएगा 1.5 मिल गया, जैसे यहाँ पर हमें 1.5 मिला। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में जो टेनेबो सुगानो डायग्राम होता है उसकी हेल्प से एक इस तरीके का कर्व बनाया जा सकता है, आप ये बताते जाएंगे, आपको ये नहीं कि मैडम ये कैसे आ गया, यहाँ पर मैं क्या वैल्यू लिखूं, आप ये बताते जाएंगे कि इस तरीके का कर्व हमें मिल सकता है, क्यों मिल सकता है हमें इस तरीके का कर्व टेनेबो सुगानो डायग्राम से। आप जानते हैं कि ये देखिए ये टेनेबो सुगानो डायग्राम है, ठीक है? यह है टेनेबो सुगानो डायग्राम D2 कॉन्फ़िगरेशन का,
अब हमें जो है इन्होंने मान लीजिए ये जो ट्रांजिशन है ना, ये वाला ट्रांजिशन दिया है ई टू उधर के लिए, और हमें इन्होंने ये वाला ट्रांजिशन दिया है ई वन, ठीक है। और ये क्या है, ई अपॉन एच है, सॉरी पी है, और ये क्या है, डेल्टा ओ अपॉन बी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मतलब क्या कर किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर डेल्टा ओ अपॉन बी पर हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए निकाल सकते हैं, ये देखिए इस पर्टिकुलर डेल्टा ओ अपॉन बी पर ई वन निकाल सकते हैं और ई टू निकाल सकते हैं। फिर हम एक दूसरी डेल्टा ओ अपॉन बी ले सकते हैं, देखिए यहां पर ले लिया मैंने। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम बहुत सारी डेल्टा ओ अपॉन बी वैल्यू पर ई टू भी निकाल सकते हैं और ई वन भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, ये देखिए ये है, ये दो ट्रांजिशन, ये दो ही दिखा रही हूं। चलिए मैं, अब मैंने एक डेल्टा ओ ली और इस पर मैंने ये निकाल लिया और इसी पर मैंने ये भी निकाल लिया। फिर मैंने यहां पर डेल्टा ओ ली तो मैं यहां पर भी निकाल सकती हूँ और यहां पर भी ई टू निकाल सकती हूँ। मैं डिफरेंट डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए, सेम डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए मैं ई वन भी निकाल सकती हूँ, ई टू भी निकाल सकती हूँ। टेनेबो सुगानो डायग्राम में मुझे निकाल सकते हैं हम, तो हमें ई टू भी मिल जाएगा और ई वन भी। हर एक देखिए यहां पर डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू ये है, तो यहां पर ई टू ये है और यहीं पर ई वन ये है, तो मुझे ई वन भी मिल सकता है और ई टू भी मिल सकता है। तो जब मुझे मतलब ई टू अपॉन बी ई वन अपॉन बी ये मतलब ये मिल जाएगा ना, इस वाली डेल्टा ओ, ये जो डेल्टा ओ अपॉन बी है, आप मेरी बात समझे? Yes, ma'am. एक पर्टिकुलर डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए हमें ई टू अपॉन बी, ई टू ई वन अपॉन बी ये वैल्यू मिल जाएंगी कई सारी। एक डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए कुछ और मिलेगी, दूसरे के लिए कुछ और मिलेगी, तीसरे के लिए कुछ और मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो इस डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए ई वन कुछ और होगा, ई टू कुछ और होगा, यहाँ पर डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए ई टू कुछ और होगा, ई वन कुछ और होगा। तो एक डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए इवन ई टू मिल सकता है, दूसरी डेल्टा ओ के लिए इवन ई टू मिल सकता है, तीसरी के लिए ई टू इवन। तो हम क्या करेंगे कि ई टू अपॉन बी अपॉन इवन अपॉन बी, यानी हमें किसका रेशियो मिल जाएगा, ई टू अपॉन इवन का रेशियो मिल जाएगा, जिसे हम म्यू टू अपॉन ई वन भी कह सकते हैं, ई वन अपॉन ई टू कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेल्टा ओ अपॉन बी के लिए हमें एक पर्टिकुलर ई टू अपॉन इवन मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, एक ग्राफ हो सकता है E2 upon E1 एंड डेल्टा O upon B के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है जो कि कुछ इस तरीके का आएगा। अगर हम टेनेबो सुगानो डायग्राम से अगर इस तरीके का प्लॉट करना चाहें ग्राफ, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब हमने क्या किया कि मेरे पास एक रेशियो आया था 1.5, E2 upon E1 का जो रेशियो आया था 1.5, तो हमें क्या करना है, यहां पर मान लीजिए ये जो लाइन दिखाई है यहां पर 1.5 है वैल्यू E2 upon E1 की, इसके corresponding मैं क्या निकालूंगी, delta O upon B की value निकालूंगी। इस 1.5 के corresponding delta O upon B की value निकाली जा सकती है, और delta O upon B की value जब निकाली जा सकती है तो वो लगभग 28 आती है इस particular configuration के केस में। तो जब मुझे डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी तो बहुत आसान है, मैं डेल्टा ओ अपॉन की बी की वैल्यू यहां पर रखूंगी 28 पर, और 28 से फिर से आप देखिए इसको एक्सट्रापोलेट करना है, और यहां पर मुझे एक ई टू बी मिल जाएगा और एक ई वन बी मिल जाएगा, जो कि ई वन बी 39 पर आता है और ई टू बी 26 पर आता है। एक बार और अभी आपको बताने वाली हूँ, कुछ बहुत कठिन नहीं है, बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है इसमें। इसमें ये है कि मुझे दो ट्रांजिशंस दिए हुए हैं, उन ट्रांजिशंस का रेशियो निकाला, वो रेशियो E2 upon E1 है, यानी ज्यादा से कम को डिवाइड किया है। दूसरा हमारे पास एक ग्राफ होगा और उस ग्राफ में हम E2 upon E1 versus delta O upon B का जो ग्राफ है वो प्लॉट किया हुआ होगा, और उस प्लॉट में हम क्या करेंगे कि जो हमारी E2 upon E1 आई जो कि 1.5 आई, उसको यहां देख लेंगे कि डेल्टा ओ अपॉन बी उस वक्त कितनी है जब E2 upon E1 1.5 है। तो डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू हमें 28 मिल गई। अब इस 28 को फिर से टेनेबो सुगानो डायग्राम ले गया, और टेनेबो सुगानो डायग्राम में 28 पर हमने जब यहां देखा तो यहां से हमने इसको, इस वाले ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, यहां से हमने इसको पीछे मिलाया तो हमें क्या मिल गया, इवन भी। इस 28 पर हमें इवन भी मिल जाएगा और एक ई टू भी मिल जाएगा, जो कि 39 और 26 मिलता है। तो हमें मिल गया है ई टू बी और हमें मिल गया है ई वन बी। ई टू बी इज इक्वल टू है 39 और ई वन बी इज इक्वल टू है 26।
E2 मुझे पता है, E1 मुझे पता है, कहाँ पता है मुझे, ये मुझे दी हुई है, E2 है 25,700 एंड E1 है 17,200, तो मुझे E2 भी पता है, E1 भी पता है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, दोनों में ही लगभग एक सी बी आएगी, मैं किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं एक सी बी आएगी, और वो भी लगभग आती है 660 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्लियर हो रहा है नहीं? यस मैम। एक बार और मैं फिर से बता रही हूँ, टेनेबो सुगानो डायग्राम की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तभी हम डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये केवल जो केस है D2 एंड D7 का है, जहां पर जो गैप है वो बीच में कहीं पर है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है। हम पहले रेशियो निकालेंगे और रेशियो जो है उस रेशियो को टेनेबो सुगानो डायग्राम में फिट कर देंगे। एक दूसरा टेनेबो सुगानो डायग्राम की हेल्प से हमने जो कर्व खींचा है E2 अपॉन E1 एंड डेल्टा O अपॉन B में, तो यहाँ पर जो हमें डेल्टा O अपॉन B की वैल्यू मिलती है 28 मिलती है। फिर हम टेनेबो सुगानो डायग्राम में गए और 28 पर हमने देखा कि ये E1 अपॉन B क्या होगा और E2 अपॉन B क्या होगा, जो कि हमें 39 एंड 26 मिला, और E1 E2 हमें पता है, और इसकी हेल्प से हम बी कैलकुलेशन कर लेंगे। और जब हमने बी कैलकुलेट कर दिया है तो बी, ये भी वही हमने दिखाया है, देखिए किस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया है, अगेन आपको दिखाया है कि 28 पर एक 26 आई, एक 39 है, तो ये जब हमें यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी तो अब हमें पता है, देखिए अब हमें क्या पता है कि डेल्टा ओ अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है 28, और बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 660, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 660 इंटू 28। देखिए डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और डेल्टा ओ की वैल्यू लगभग 18,480 सेंटीमीटर इनवर्स आई, और जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशंस हैं, देखिए तीन ट्रांजिशन होते हैं, अगर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो तीन ट्रांजिशन होते हैं, एक लगभग 25,700, एक 17,200, और जो तीसरा जो आता है वो लगभग 35,000 के आसपास आता है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में से कोई भी डेल्टा ओ नहीं है, जो डेल्टा ओ है वो कहीं बीच में है, तो डेल्टा ओ बीच में है, यानी डेल्टा ओ को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें बी कैलकुलेट करना पड़ता है, और बी कैलकुलेट जब हम कर लेते हैं देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। और अगर हमें कॉम्प्लेक्स की बी दी हुई हो तो हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो मेटल है उसकी तो 660 है, और अगर हमें कोई कहे कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है उसकी इतनी है, तो आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बी डैश अपॉन बी से। और अगर हमें डेल्टा ओ पता है तो हम डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो अगर हमें टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है तो अगर हमें डेल्टा ओ पता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा कर कि अब वो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये है D1 कॉन्फ़िगरेशन, बताइए डेल्टा ई क्या होगी, तो आपने पहले डेल्टा ओ बताई और उसको 4/9 से गुणा कर दिया तो क्या निकल आएगी डेल्टा टी निकल आएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो D2 एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर ये डिफिकल्टी है कि हम जो डेल्टा ओ है उसको तब निकाल पाते हैं जब हम बी निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेल्टा ओ कैलकुलेट कर सकते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन की भी जिसकी हम वहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑर्गल डायग्राम से, और हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी हैव गिवन बी डैश कॉम्प्लेक्स तो अगर मुझे D3 कॉन्फ़िगरेशन कहे तो मैं डेल्टा ओ तो आसानी से बताऊंगी, क्योंकि जो लोएस्ट है मान लीजिए E1 इज द लोएस्ट, तो जो डेल्टा ओ होगी वो क्या होगी, ये डेल्टा ओ होगी, ठीक है, डेल्टा ओ में पता है और हमें तीनों ट्रांजिशन भी दिए हुए हैं, तो हम बहुत आसानी से इसकी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला है 1/15 इंटू E3 प्लस E2 माइनस 3E1, मतलब E3 जो है वो लार्जेस्ट वाला ट्रांजिशन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, देन उससे कम, देन उससे कम। तो अगर हमें तीनों ट्रांजिशन पता है तो हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें बी डैश दिया हो तो हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग सारे कन्फिग्रेशन के लिए हम ये जो वैल्यूज है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली आप यहाँ पर बी की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए CrF6-3-, अब CrF6-3-, अब आप मुझे बताइए कि CrF6-3- ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, CR का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
मैम 3D5 4S1 तो अगर मैं CR3+ की बात करूंगी तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा CR3+ का? यहाँ पे CR3+ है ना, कितना रह जाएगा? D3 है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको जो जो कॉम्प्लेक्स दिया वो D3 दिया है। तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, 3 एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है, विच करस्पेंड टू μ1 μ2 एंड μ3 रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट 10 dq b एंड बीटा फॉर द कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ b फॉर CR3+ इज 918। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है CR3 के लिए दिया हुआ है इन्होंने। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए जो भी b निकलेगा वो कॉम्प्लेक्स के लिए निकलेगा, जो हमने अभी तक जो बताया है। ये अभी डिपेंड करता है कि हमें आयन का दिया है कि कॉम्प्लेक्स का दिया है। वैसे ये जो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में डेल्टा, वो ये कॉम्प्लेक्स की कर रहे हैं, यानी बी हमें दिया होगा। बी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए। बी डैश को हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में, बी ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये बी डैश है बिकॉज इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1000 से बहुत ही कम है, बहुत कम है, और जो जो फ्री मेटल आयन की होती है वो काफी अधिक होती है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स की कैलकुलेट कर रहे हैं, और आयन की अगर हमें दी हो तो हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अब मुझे आप ये बताइए, सीधे सीधे देखिए, 3 ट्रांजिशन दिए हैं तो इनमें से डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी? आप सीधे बता सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, क्या होगी डेल्टा ओ की वैल्यू? ये है D3 configuration। D3 configuration के केस में मैंने आपको क्या बताया कि जो डेल्टा वो होती है वो क्या होती है? लोवेस्ट वैल्यू इवन। हाँ, तो क्या होगी डेल्टा वो? 14,900। बस इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है ना, सीधे सीधे आपने वैल्यू देखते ही बता देना है। यही बस आपको जो देखना है, ध्यान ये देना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर D3 है तो सीधे सीधे आप जो है बता देंगे कि ये इसका डेल्टा वो, देखिए आ गई डेल्टा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप बी निकाल लीजिए, बी आप निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात हम कर रहे हैं तो बी डैश निकल आएगा। देखिए हमें तीनों ट्रांजिशन दिए हुए, ये तीनों ट्रांजिशन हमने यहाँ पे फिट कर दिए, और जब हमने तीनों फिट कर दिए तो हमें देखिए बी डैश मिल गई। जब हमें बी डैश मिल गई तो हम बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फ्री मेटल आयन की दी हुई है और ये कॉम्प्लेक्स की हमने निकाल ली, तो निकाल ली हमने तीनों चीजें। देखिए अब आप देखिए, हमने बीटा बी डैश भी कैलकुलेट कर लिया, हमने बीटा भी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा वो भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब तब कर पाए ना, जब बी तो हम तब कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि बी जो टर्म है वो कहाँ पर आती है? वो आती है टेनेबो-सुगानो डायग्राम में, तभी हम वहां कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। कितने आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप सीधे सीधे देखिए, अब आपका दिमाग घूमेगा, आप 10 dq का मतलब ही तो डेल्टा होता है, ये तो घुमा फिरा के दे देगा ना, उसमें कोई ऐसा दिक्कत का काम नहीं है। और इसी का अगर वो कहेगा, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो कितना होता, तो आप इस वैल्यू को क्या करते, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता, 14900 × 4/9 आप कर देते, तो ये जो आती वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आ जाती डेल्टा टी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत कठिन नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के जो आते हैं क्वेश्चंस, कहीं पर भी आप एंट्रेंस देंगे, कहीं पर भी आप नेट का एग्जाम देंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगना है, बस कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टेनेबो-सुगानो डायग्राम है वो कितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जो हम ऑर्गल डायग्राम की हेल्प से नहीं कर सकते वो हम टेनेबो-सुगानो डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CONH3O6+। अब आप मुझे बताइए CO का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D7 4S2। अब जो CO 2 प्लस है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा? 3D7 है ना। अब ये D7 है, अब ये कठिन वाला है, लेकिन कठिन वाले में भी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अब आप देखिए यहाँ पर इसने दिया है कि ये इसके लिए जो डेल्टा O की वैल्यू दी है इसने, ठीक है, और B की वैल्यू भी दी हुई है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन डू यू एक्सपेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स? अब ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन उसने पूछ दिया। अब वो ये कह रहा है क्योंकि D2 का कैलकुलेट करना कठिन है ना, वो तो आपको देंगे नहीं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसी में घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन दे दिया। तो अब आपको डेल्टा ओ की वैल्यू दी और बी की दी है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? सीधे सीधे डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आ गई, 11 आ गई। ये अपॉन ये कितनी आ गई, 11 आ गई। अब आपको कहाँ जाना है? D7 कॉन्फ़िगरेशन में। अब आप D7 कॉन्फ़िगरेशन में चले जाइए, ये आपको ध्यान रखना है कि जब मैं D7 का जो कॉन्फ़िगरेशन का है, जब मैं टेनेबो-सुगानो डायग्राम बना रही हूँगी, तो देखिए डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू क्या है, जहां पर ब्रैक है कितनी है, 22।
हमारी वैल्यू कितनी आई है? 11. तो ये कम है ना इससे, 22 से, यानी डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू यहाँ कहीं होगी. यस मैम. तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है ऐसे कॉम्प्लेक्स में? 3 ट्रांजिशन. 3 पॉसिबल है. अब देखिए ये घुमा के क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ये पूछा है कि कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो आपको ये पता है कि यानी इससे इधर वाला ही पार्ट है, 22 के लेफ्ट वाला पार्ट है, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है, डेल्टा ओपन भी है, तो लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है. क्लियर है? यस मैम. तो ऐसे क्वेश्चंस हम थोड़ा सा, हमें बस ये ध्यान रखना है, 4 कॉन्फ़िगरेशन, किसी में 20 है, किसी में ये वैल्यू 20 है, किसी में ये वैल्यू 27 है, किसी में 28 है, किसी में 22 है. बस यही ध्यान रखना है. 20 से ऊपर ही है, तो 20 से नीचे अगर ये डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू आती है तो वीक फील्ड होगा, और वीक फील्ड में कितने आ सकते हैं पी, वो आपको ध्यान देना. वो D6 होगा तो 1 आएगा, D7 होगा तो 3 आएगा, D2 होगा तो 3 आएगा, और D5 होगा तो फिर कई सारे आ सकते हैं. ठीक है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना तो पोर्शन समझ में आ गया बच्चों, कैसे ये हेल्पफुल है जो टेनेबस होगानो डायग्राम है. तो इस तरीके से आप देखेंगे हम तीन जो जो मेन जो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेनेबस होगानो डायग्राम, दैट आर डेल्टा ओ, द वैल्यू ऑफ बीटा एंड द वैल्यू ऑफ बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और टेनेबस होगानो डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया है कि वो जो है जब हम ड्रॉ करेंगे इन बिटवीन डेल्टा ओ अपॉन बी एंड ई अपॉन बी, तो हमें क्या मिलेंगे, टेनेबस होगानो डायग्राम्स मिलेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेनेबस होगानो डायग्राम्स. अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एक नए टाइप का स्पेक्ट्रा हम पढ़ेंगे जो कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं. ओके, थैंक यू. हम नेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं.